करेंगे। एक भी बिहारी अगर रोड में उतर गया झारखंड बंद कराने के लिए कि झारखंड हमारा है, झारखंडियों का है, बिहारियों का नहीं है, एकदम मारेंगे। आदिवासी को मारने खाया है ना तो खा लेगा। विधायक का घर घुसेंगे और घर घर घुस है तो क्या हुआ? हेमंत सोरेन के आगे पीछे दाएं बाएं सिंटू पिंटू सब तो बिहारी है, उनके विधायक प्रतिनिधि भी बिहारी है, उनके पार्टी में ज्यादातर लोग बिहारी है। यही कारण है कि आज अमित माथुर भी पार्टी छोड़ दी है। आधारित स्थानीय नीति और भाषा विवाद का मामला तुल पकड़ने जा रहा है। सोमवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों ने भाषा स्थानीय और नियोजन नीति की मांग को लेकर रांची के किशोरगंज चौक से लेकर बिरसा चौक तक मानव श्रृंखला बनाई। मानव श्रृंखला बनाकर संगठनों ने अपना विरोध जताया। पूर्व मंत्री और पूर्व कांग्रेस विधायक गीताश्री उरांव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर सभी गलत नीतियों को रद्द नहीं किया गया तो 14 मार्च को झारखंड के सभी जिलों के झारखंडी विधानसभा को घेरने का काम करेंगे। इसके बारे में आप क्या बताइएगा, कितना बड़ा श्रृंखला है और क्या आप लोगों की परेशानी और क्या मांगे हैं? देखिए, हमने पूरा हरमू बाईपास जो है यहाँ पर पूरा श्रृंखला यहाँ पर बनाया है और जो ज्वलंत अभी मुद्दा है सबसे पहले कि जो बिहार की वैसी बोलियों को यहाँ पर सरकारी प्रक्रिया में डाला गया जिसको मान्यता बिहार में दी और संविधान की आठवीं खंडी का अगर आप उठा के देखें तो उसमें इनको पोलियों की श्रेणी में दिया गया, इसीलिए इनको बिहार में मान्यता दी। तो उसको झारखंड में किस आधार पे और किस नीति के तहत यहाँ पर जो है सरकारी प्रक्रिया में डाला गया है ना, और जो 10वीं 12वीं का भी जो बोर्ड जो है ये अपनी बोलियों में देंगे, तो ये सीधी तरह से जिला स्तर में जो इनको बताया गया है तो ये सीधी तरह से जिला से लेके जो राज्य स्तर की सभी नौकरियों में इनको कब्जा करने का एक लाइसेंस दे दिया है। ये हमारे अपने लोगों का ये हक अधिकार का हनन है ना, इसलिए तो लोग जो जहाँ पर आपका धनबाद बोकारो में जो भोजपुरी मगही को घुसाया गया है, अभी पलामू में भी घुसाया गया है, वहाँ पर भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, भले वो यहाँ पर छन के आक्रोश से जल रहा है। और यही सब जो है हमारे जो अपने पूर्वजों ने हमारे अगुवाओं ने जो अपना संघर्ष किया, जो बलिदान दिया, अपना खून पसीना बहाया यहाँ इस झारखंड को बनाने के लिए, उनका अपमान हम लोग नहीं सकते। और साथ ही साथ जो इतने वर्ष हो गए हैं आज तक हमारी जो पहचान के लिए स्थानीय नीति का निर्धारण जो हमारा कतियान आधारित होना चाहिए वो भी निर्धारित नहीं हुए हैं, वो हमारे जो अधिकार सुरक्षित नहीं किए गए हैं, यहाँ पर नियोजन नीति नहीं बनाई गई है कि प्राथमिकता यहाँ के निवासियों को मिलेगी, और साथ ही साथ जो है भाषा नीति भी नहीं बनाई गई है, इसीलिए जो है इधर उधर की भाषाएं जो है यहाँ पर घुसपैठ कर रही है, और जो उद्योग नीति जो हमारे अपने खनिज संपदाओं से संपन्न एक राज्य जो है उसका सही इस्तेमाल यहाँ के राज्य के विकास में नहीं हुआ, हो सकता था, मगर रॉयल्टी जो लोग चोरी कर रहे हैं इससे जो खजाने में सरकारी खजाने में तो जमा नहीं हो रहा है, कहाँ जा रहा है वो भी हमको समझ नहीं आ रहा है, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां आके यहाँ पर जो अपना मुनाफा कमा रही हैं हमारे लोगों को विस्थापित करके, उनको प्रताड़ित करके, झारखंड तो विडंबनाओं का एक राज्य बन गया है, झारखंड तो विस्थापितों का राज्य बनता चला जा रहा है, तो यहाँ झारखंडी के अधिकार कहाँ सुरक्षित है? सारे जो व्यवस्थाएं और जो प्रावधान है बिहारियों के लिए, बिहारियों के लिए ही सारे गेट खोल दिए गए हैं, तो झारखंड की झारखंडी के तो पीठ और पेट दोनों में जो है यहाँ पर छुरा भोंक दिया गया है, इसीलिए हम लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई करने के लिए लड़ने के लिए हम लोग आंदोलन चरणबद्ध कर रहे हैं। जनवरी से शुरू हुआ और आज फरवरी का आखिरी दिन है, ये मार्च तक चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक हमारे अधिकार जो हम लोग को नहीं मिल जाते हैं, गलत फैसलों को सरकार नहीं रद्द करती है, हमारे हित में अगर वो फैसला नहीं करती है तो इस सरकार का भी चलना हम लोग मुश्किल कर देंगे, पीठ पेट बजा देंगे, और जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं हम लोग भी उनका सामना करने के लिए तैयार हैं कि देखें कैसे देख सकते हैं। मैम, बिहारियों से इतना आक्रोशित क्यों हैं आप, और ऊपर से आप लोग सब लोग उधर बोला गया बोलते हैं यहाँ पर झारखंड में बिहार बिहार का बिहारियों के लिए झारखंडियों के बिहारियों के लिए अलग राज्य बनेगा, ये क्या मजाक है कोई? हम लोग इस तरह की ऊंच ऊंच बात न सुनना भी नहीं चाहते हैं। यहाँ पर मैम बोला जा रहा है कि बिहारियों को दौड़ा के मारेंगे, इस पे क्या बोलेगा? यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिहारियों को दौड़ा के मारेंगे, इस पे क्या बोलेगा आप? नहीं,
वो तो होगा तो होगा, अगर वो मजबूर करेंगे तो वो उसके खुद ही वो उसके भागीदारी होंगे, वो खुद ही उसके लिए जिम्मेदार। आपको क्या लगता है मैम कौन जिम्मेदार है ये? देखिए यहाँ पर तो जो है सरकार, जब से यहाँ झारखंड बना है, सरकार जितनी भी बनी मुख्यमंत्रियों की इच्छा नियत और इच्छा शक्ति में कमी रही है, तभी इस तरह के जो है सारे जो हुआ है। आप हर दूसरे तीसरे राज्य में से जो बवाल यहाँ पर हुआ है, बिहार भी बोल रहा है कि बिहार में नियोजन बिहारियों के लिए, ठीक है ना, आप ही जानते हैं। अभी मध्य सरकार सरकारी घोषणा करती है कि मध्य प्रदेश में वहीं के निवासियों को नियोजन मिलेगा, संसाधन भी उन्हीं के लिए इस्तेमाल होगा। आखिर क्यों बोल रही है? ये सब जगह होता है, मगर अभी बोलना ये सब अनाउंस कर रहा है कि हम बाहरियों को यहाँ पर नहीं घुसने देंगे। वो बोलियाँ यहाँ पर घुसाई गई है, जो उड़िया और बंगला भी 2011 में जो भाषा पे आधारित जो अलग राज्य बन चुके हैं, क्या हम बंगाल जाए उड़ीसा जाए, हम अपनी जो यहाँ पर आदिवासी या क्षेत्रीय भाषा में वहाँ नौकरी मांगेंगे तो क्या वो हमको देंगे इसके बदले में? नहीं देंगे। तो फिर बाहरी भाषा को यहाँ पर जगह देने की क्या जरूरत है? जो हमारे अपनी भाषा है उनको मजबूत कीजिए ना, उनके लिए विकास का काम कीजिए, उनके लिए अवसर बनाइए। मगर यहाँ पर जो 2014 में भी जब मैं शिक्षा मंत्री थी, एक TSC की आखिरी बैठक में ये निर्देश निर्गत हुआ था कि कक्षा 1 से हमारी भाषाओं को यहाँ पर बुलाने का पद सृजन का सर्वे हो, मगर वो 3 साल बाद पता चलता है कि मात्र 1000 जो है, 1000 से भी कम जो 9 झारखंडी भाषाओं के लिए पद सृजित किए गए, और जो दूसरी तीसरी भाषाओं के लिए अंग्रेजी संस्कृत उनके लिए 1500-1600 जो है उनके लिए। अपने ही राज्य में हम लोगों के मुँह में तमाचा, हमारे साथ भेदभाव, ये हम नहीं सहेंगे। पाप करने वाला भी, जो अन्याय करने वाला भी पापी है, तो हम लोग उस पाप भागीदारी नहीं बनना चाहते हैं और अन्याय नहीं सहेंगे हम। अब जब उठ खड़े हुए हैं आंदोलन करने के लिए, तो जब तक हमारे अधिकार जो है हमें नहीं मिलते हैं, सरकार वो सभी गलत फैसलों को जब तक रद्द नहीं करती है, और हमारे लिए जो ये मांगे हैं, जो हमारे हथियार आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, भाषा नीति, उद्योग नीति जब तक नहीं बनाती है, तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे, बजा देंगे जो हमारा विरोध कर रहे हैं, और इसके लिए सरकारी जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल, दफ्तरों में उनके अगल बगल भी जो अभिषेक पिंटू, सुनील श्रीवास्तव, विनोद पांडे, सुप्रिय भट्टाचार्य, बाकी सारे ऐसे लोग जो है केवल में ही नहीं, आजसू में भी हैं भारी लोग, आपके कांग्रेस में भी हैं, आपके BJP में भी लोग ऐसे लोग हैं जो हमारे यहाँ राजनीति कर रहे हैं और हमारे ही सीने और पीठ पे पूरा भुगतने का काम कर रहे हैं। तो आप ये बर्दाश्त करें, हम उनको बोलेंगे कि आप अपनी जिम्मेदारी, पहली और आखिरी जिम्मेदारी इस राज्य को सही तरीके से चलाने की आप की बनती है। लोग अगर आंदोलनरत होते हैं, अगर विरोध पे उतरते हैं, तो ये भी आपकी ही जिम्मेदारी है, इसके लिए जिम्मेदार आप ही हैं। और आप जो है झारखंडियों का, हम ऐसे क्रांतिकारी वीरों के हम वंशज हैं जिन्होंने अंग्रेजों को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, तो अब जो हम अपने लोगों के खिलाफ के लिए हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, और हम लोग अपना हक अधिकार जो है लेके रहेंगे। एक नया झारखंड 20 साल का जो काला अध्याय लोग हैं उसको खत्म करके हम नया झारखंड की हम शुरुआत करना चाहते हैं। सबसे पहले आप प्रेस बंधुओं को माध्यम से 3.25 करोड़ जनता का भावना को मैं मुख्यमंत्री के सामने रखने का काम कर रहा हूँ। हम लोग एक महीना से लगातार निरंतर हम लोग डिसिप्लिन में रहकर हम लोग अपनी मांग को सरकार को सुनाने का काम कर रहे हैं, अवगत कराने का काम कर रहे हैं। आज झारखंड बने हुए 21 वर्ष गुजर गया है, 21 वर्ष में यहाँ NDA भी राज किया, UPA भी राज किया, यहाँ NDA 17 साल राज किया, NDA के साथ में आजसू गठबंधन थी और BJP, ये दोनों कभी नहीं चाहा कि झारखंड के लोगों के साथ में भला हो, झारखंड में नीति और नियम लागू हो, झारखंड के यहाँ के नौजवानों के हाथों में नौकरी हो, यहाँ के बेरोजगारों को दूर करे, ये लोग कभी नहीं सोचा। ये लोग झारखंड बनने के बाद एक भी नियम नीति लागू नहीं बनाया झारखंड हित के लिए। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जब मध्य प्रदेश में वहाँ की सरकार BJP की सरकार वहाँ के लोगों को नौकरी देती है और पहला प्राथमिकता देता है, बिहार की सरकार जब शिक्षक नियुक्ति होती है तो पहला निवासी बिहार का होना चाहिए,
तो मैं कहना चाहता हूँ, जब बिहार और अन्य राज्यों में वहाँ का सरकार अपना लोगों को देख रही है, अपना निवासी को देख रही है, तो झारखंड सरकार को तो उससे सीख लेना चाहिए कि पहला हक बनता है झारखंडियों का, उसके बाद किसी को मिलना चाहिए। जिसके हाथ में खतियान उसी को नौकरी मिलना चाहिए, जो जिसके हाथ में खतियान उसी को प्राइवेट में भी नौकरी मिलना चाहिए। जो 70 पर आपने कहा था कि हम जब भी सरकार में आएंगे तो 75% लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को, सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, सभी जगह में नियुक्ति करेंगे। कहाँ दिया हुआ आपका वादा? आज आपको यहाँ से लेके आप विधानसभा तक हमारे भाई बंधु आदिवासी मूलवासी जितने भी रोड में, शरम आनी चाहिए 81 विधायकों को, शरम आनी चाहिए कैबिनेट के मंत्री लोगों को। उन्हीं का पूर्वज है हम लोग, उन्हीं का भाई बहन है। क्या उन लोगों को देख के उसको पीड़ा नहीं हो रही है? दुनिया हंस रही है, लेकिन इनको अब कब समझ में आएगा कि झारखंड के हित के लिए नियम कानून बनाए, यहाँ के उन बच्चों के लिए भविष्य के लिए एक अच्छा पहल करे, जिससे हम लोग को दोबारा रोड में नहीं आना पड़े। आज आप लोग इतना विशाल मानव श्रृंखला का जो निर्माण किए हैं, किस चीज को, किन मांगों को लेकर? आज हम लोग आदिवासी और मूलवासी के विभिन्न संगठनों के द्वारा मानव श्रृंखला निकाले हैं। हम लोग अभी ये मानव श्रृंखला विधानसभा तक चल रही है। हम लोग का मांग है कि यहाँ पर जो है स्थानीय नियोजन नीति लागू हो, भाषा नीति लागू हो, कृषि नीति लागू हो, कला संस्कृति खेल का नीति लागू हो और भाषा नीति भी लागू हो। आपने देखा होगा अभी हाल ही में यहाँ की सरकार बाहरी भाषा को यहाँ पर जो है लागू करने का प्रयास कर रही है और उसको आनन फान में वापस ले लिया, लेकिन कहीं कहीं है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा मांग है कि यहाँ पर स्थानीय भाषा जो नौ क्षेत्रीय भाषा है उसको लागू की जाए, उसके बाद फ्रेंच को लागू करिए, अंग्रेजी को लागू करिए, इसको लागू करिए, क्योंकि ये झारखंड जो है आदिवासी मूलवासियों के बुनियाद पर अलग राज हुआ है। कितने कटे मरे गाँव में अभी भी देख रहे हैं कि अभी इसको पेंशन नहीं मिल रहा है और अभी भी स्थानीय नियोजन नीति के अभाव में छात्र नौजवान पलायन कर रहे हैं और इन राज्य में दर दर भटक रहे हैं। हमारे माँ बहनें जो है दतुल पते बेचने जा रही है रांची शहर में, अब देखने को मिलता होगा आपको मीडिया वाले हैं कि हमारी माँ बहन झाड़ू पोछा काम करती है, ये अच्छा लगता है क्या? जबकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। आखिर 21 सालों में सरकार ने स्थानीय नियोजन नीति को क्यों नहीं लागू किया? इसलिए नहीं लागू किया, यहाँ जो भी सरकारें बनी है हमारे हेमंत सोरेन के साथ साथ अन्य सरकारें जो बनी है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टी ने कमोवेश यहाँ पर सत्ता पर स्थापित हुआ, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति कमी है। यहाँ पर माफिया दौर, नौकर था, सब आके गलत गलत काम कर यहाँ पर नीति बनवाते हैं। इस पर चिंतन करना चाहिए। हम समझते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री चिंतन करने लायक यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं है, तो हम ये मांग करना चाहते हैं ज्ञान के आधार पर यहाँ स्थानीय नीति लागू हो। साथ ही हमारा जो आंध्र प्रदेश की तरफ संविधान के अनुच्छेद 371 धारा डी के आधार पर नियोजन लागू हो, ताकि यहाँ पर 100% आदिवासी मूलवासी का नियोजन नियुक्ति हो। यह भाषा ही नहीं, हमारी संस्कृति सभ्यता को यहाँ पर हेम्पर करने का काम किया है, हमारी संस्कृति विरासत को काम किया है। लेकिन जब तक आप सभी विभागों में काम नहीं करेंगे, खेल कला संस्कृति यहाँ पर उसके आधार पर लागू नहीं करेंगे, झारखंड की परिकल्पना बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। झारखंड का निर्माण 2000 में हुआ, तो ऐसे में आप किस आधार पर 1932 से खतियान लागू करने की बात करते हैं? मैडम, यहाँ पर 1932 की खतियान इसलिए मांग करना चाह रहा हूँ कि हमारी खतियान 1908 से चल रहा है, 1884 से हमारी जमीन का आंदोलन चल रही है, ये तो खतियान आज है। मेरी मांग है कि अलग अलग जो है जिला में अलग अलग सर्वे हुआ है, कहीं 62 में हुआ है, कहीं 63 में हुआ है, तो हमारी आधार 1932 का खतियान के साथ साथ खतियान होना चाहिए और आंध्र प्रदेश की तरफ होना चाहिए संविधान की अनुच्छेद 371 डी के आधार पर, ताकि यहाँ पर 100% आदिवासी मूलवासी की नौकरी में भागीदारी हो। आप लोग बोलते हैं कि जो झारखंड के मुख्यमंत्री है वो आदिवासियों के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को समझने की जरूरत है, क्योंकि 1932 से पहले भी 1908 में भी सर्वे हुआ था, पश्चिम सिंहभूम में हुआ था, तो अगर 1932 के आधार पर आप स्थानीय नीति करेंगे तो क्या पश्चिम सिंहभूम को इससे बाहर करेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, 1932 हमारी मांग जरूर है, इसको चिंतन तो गवर्नमेंट करे। यहाँ के मुख्यमंत्री तानाशाह हो गए हैं, न 32 का चिंतन कर रहे हैं, न 36 का, न 64 का, वो तो चिंतन ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये आदिवासी जो ये स्टेट जो है बहुत शहादत से मिला है मैडम, हमारी ये मांग 2000 अलग राज नहीं हुआ है। एनी होरो, मारांगों के जलपाल सिंह मुंडा, विभिन्न लोग अलग राज की लड़ा था और विदेशी हुकूमतों के लिए तो अनेक लड़े थे। सिद्धू कानू का देख लीजिए 1885 में, आप देख लीजिए बिरसा मुंडा, लकड़ा विद्रोह, सदरा विद्रोह,
मुंडा विद्रोह सभी ने ये किया। हम लोग आज फैक्ट्स पे बात करेंगे, चूंकि आप लोग लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। 1932 में अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो जो टाटा नगर है 1932 से पहले से वो टाटा। मैं फैक्ट की बात करता हूँ सर, मैं समझ गया आपकी बात। यहाँ पर 1932 की खतियान पर आधार होना चाहिए। और जिसके सवाल हमारा ये है कि 1932 से पहले से वो टाटा की पूरी जमीन है वो टाटा के पास थी। 1994 में जमींदारी प्रथा आई और बिहार सरकार ने उसे लीज पे टाटा को दिया। अगर आप 1932 खतियान लागू करेंगे तो जमशेदपुर का वो पूरा टाटा नगर जो है वो टाटा के हाथों में जाएगा। तो क्या ये समस्या नहीं है, विडंबना नहीं है? समस्या बिल्कुल नहीं है। 1932 का खतियान के आधार पर हो जाएगा और जिसके पास खतियान नहीं है वो स्थानीय जांच के आधार पर ग्राम प्रधान जो है जांच करेंगे कि स्थानीय है कि नहीं। खतियान बड़ी आप चिंतन नहीं कर रहे हो, यहाँ के मुख्यमंत्री चिंतन नहीं कर रहे। आप बताइए, शिबू सोरेन ने यही लड़ाई लड़ी थी ना कि अगर उनकी सरकार आती है झारखंड अलग राज्य का निर्माण होता है तो यहाँ के लोगों का विकास होगा, लेकिन समस्याएं होंगी तभी तो अब तक नहीं हो पाया ना। इसीलिए तो मैडम हम लोग इस पर रोड पर उतरे हैं, क्यों उतरे हैं? क्या कुछ कहेंगी लगातार भाषा को लेकर, स्थानीय को लेकर, 1932 को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी बजट सत्र चल रहा है, कुछ ही देर में यहाँ से मुख्यमंत्री का काफिला भी गुजरा, क्या कहेंगे? जो मानव श्रृंखला बना है इसी कारण से बनाए हैं कि यहाँ के विधायक मंत्री देखे कि यहाँ की जनता विरोध कर रही है कि बाहरी भाषाओं को यहाँ पर दर्जा क्यों दिया जा रहा है। आज आप दर्जा दिए हैं, आप नियुक्ति का घुसा दिए हैं, आप आज इस बार बजट भी आप ले आएंगे उनके लिए, तो फिर झारखंडियों के लिए क्या बचा है? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आज तक नवपुरम मुंडारी बोल रहे हैं मगर उनको एग्जाम कितने बोलेगा कुलूकर मुंडारी और वो संथाली से तो लोग नहीं जानेंगे क्योंकि स्कूल में आप पढ़ाई करवाए ही नहीं है, उनके लिए आप बजट लाए ही नहीं है और आप उनके नियुक्ति में घुसा दिए हैं। दूसरी बात है कि आप नियुक्ति करवा रहे हैं तो क्या बाहरियों को नियुक्ति करा रहे हैं? आप स्थानीय नीति को लागू किए नहीं है, यहाँ परिभाषित ही नहीं किए कि झारखंडी कौन, तो फिर आप कैसे आप नियुक्ति दे रहे हैं? मतलब गुजरात से भी आएगा लोग यहाँ नौकरी पाने, बंगाल से भी आएगा, बिहार से भी आएगा, यूपी से भी आएगा, कोई भी आके यहाँ का नौकरी ले जाएगा क्योंकि उन लोगों की भाषा समृद्ध है। और जो भोजपुरी मगही की बात आप लोग कर रहे हैं वो तो भोजपुरी मगही देवनागरी लिपि में ही लिखेगा वो लोग, वो तो हम भी लिख लेंगे भोजपुरी और मगही भाषा में, तो फिर उनका तो अपना तो कोई लिपि है नहीं, हमारी भाषा हमको तो आप पढ़ाए नहीं है यहाँ, तो आप कैसे नौकरी दे रहे हैं? मतलब झारखंड को चरागाह बना दे रहे हैं। आप जाइए दूसरे राज्यों में जाइए, वहाँ पहले जितना भी नौकरी है वो चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो वो वहाँ के युवाओं के लिए है, जो असली वहाँ के स्थानीय है उनके लिए है, फिर आप यहाँ पर मजाक क्यों बना के रखे? सरकार को समझ में नहीं आ रहा। आज झारखंड विधानसभा में अभी आप सत्र जो चल रहा है अगर 14 तारीख तक अगर नहीं सुनी यहाँ के विधायक और मंत्री कुछ नहीं बोले, अपना मुंह नहीं खोले झारखंड हित में, तो फिर 14 तारीख को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। अगर विधानसभा घेराव से भी बात नहीं बनी तो क्या कीजिएगा आप लोग आगे? उसके बाद भी हम लोग रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे और उसके बाद भी नहीं सुने तो एक एक विधायक का घर घुसेंगे और घर घर घुस कर उनसे पूछेंगे कि आप विधायक बने हैं तो किसके वोट पर बने हैं, कि छोटा मोटा विद्यानगर का वोट पे आप लोग है कि पूरा विधायक और पूरा मंत्री बने हैं और पूरा झारखंड सरकार चल रहा है, कि थोड़ा मोटा वही जो बिहारी भाषा बोलने वाले लोग हैं उनके वोट पर आपका राजनीति यहाँ चल रहा है क्या, कि आप उनके पक्ष पर बात कर रहे हैं? हमारे लिए आज तक कोई नीति नहीं बनाई है आपने, तो जो ये लोग भी जो घोषणा कर रहे हैं कि 6 मार्च को झारखंड बंद करेंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, एक भी बिहारी अगर रोड में उतर गया झारखंड बंद कराने के लिए, कि झारखंड हमारा है, झारखंडियों का है, बिहारियों का नहीं है, यहाँ राज करने का कोशिश ना करें, यहाँ के जो यहाँ आप रोजगार करने आए हैं नौकरी करने आए हैं उतना ही सीमित रहिए, पुचका बेचिए चाट बेचिए उतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए, है ना कैलाश यादव एंड ग्रुप, एकदम मारेंगे आदिवासी को, मार नहीं खाया है ना तो खा लेगा, लेकिन लालू यादव भी बोल रहे हैं कि लागू करेंगे। अरे लालू यादव तो ये भी बोले थे कि झारखंड बनेगा तो मेरा लाश पर बनेगा, है ना, उसी का नतीजा है कि आज जेल में, जेल में उनका पूरा राजनीतिक करियर खत्म हो गया इसी कारण से, यहाँ झारखंड में उनका कोई मान सम्मान नहीं है। आज देखिए आरजेडी को एक सीट यहाँ लेके आया, बेशरम टाइप का, झारखंड में राज करना चाहता है एक सीट लेके आया, अभी गठबंधन में घुसा है, है रू ढंग नहीं है राजनीति करने का, तो जाए ना बिहार, बिहार में राजनीति करे, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ झारखंडियों का राजनीति है तो क्या हुआ? हेमंत सोरेन के आगे पीछे दाएं बाएं चिंटू पिंटू सब तो बिहारी हैं, तो उनके विधायक प्रतिनिधि भी बिहारी हैं, उनके पार्टी में ज्यादातर लोग बिहारी हैं, यही कारण है कि आज अमित माथुर भी पार्टी छोड़ दी है, आपका गुमला में जाइए जिला जो युवा जिलाध्यक्ष है वो भी पार्टी छोड़ दी है, अब धीरे धीरे सब पार्टी छोड़ेगा, आप लोग देखते जाइए झारखंड की राजनीति, अभी आंदोलन शुरू हुआ है ना, ये कहाँ तक जाएगा एक एक पार्टी।
कर देगा, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या जेएमएम हो, खत्म कर देगा। चाहे आरती भी नौटंकी ना करे, क्योंकि उसको भी मौका मिला था, वो भी भाजपा के साथ सरकार में थी, लेकिन स्थानीय नीति का बात नहीं की। वहाँ पर भी भोजपुरी मांगी 2018 में घुसाया गया, आज क्या बोला? कुछ नहीं बोला। आज नौटंकी कर रहा है। झारखंडी जनता हम लोग जान गए हैं कि क्या करना है, कौन सा पार्टी हमारे लिए है, कौन सा नहीं है। ज्यादा नौटंकी दिखाने का कोशिश ना करे पार्टी के लोग। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।